अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे फ्रैंक हर्ट्ज़बर्गनिक की बुक का, और चैप्टर का नाम है फंक्शंस। तो सबसे पहले फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स मालूम होनी चाहिए। फंक्शन बेसिकली होता ही है कि पहले हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन से मुराद ये है कि किसी एक्स की वैल्यू पर कोई वाई की वैल्यू मिल रही हो, किसी इनपुट पर कोई आउटपुट मिल रहा हो। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर में लिखता हूँ 2 + 3, तो ये मेरा इनपुट है, और जैसे ही मैं इक्वल प्रेस करूँगा मुझे आंसर मिलेगा 5, तो ये मेरा आउटपुट कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं 1 + 4 लिखता हूँ, ये मेरा इनपुट कहलाएगा और 5 मेरा आउटपुट कहलाएगा। तो इसे हम कहेंगे रिलेशनशिप। ये यानी हमारा इनपुट है जिसे हम सपोज x से शो कर रहे हैं, और ये हमारा आउटपुट है जिसे y से शो कर रहे हैं। तो अगर एक x वैल्यू पर हमें y वैल्यू मिल रही हो तो उसे रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मैं वैल्यूज़ बना रहा हूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ रैंडमली लिख देता हूँ मैं 9, 8, 6 और 2। तो अब हर एक इनपुट पर, यानी सपोज 1 मैंने इनपुट किया तो मुझे आउटपुट मिला 9, 2 इनपुट किया तो आउटपुट मिला 8, 3 इनपुट किया तो आउटपुट मिला 6, 4 इनपुट किया तो आउटपुट मिला 2। तो इसे हम कहेंगे ये ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस एक इनपुट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट मिल रहा हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं एक और रिलेशनशिप बनाता हूँ। जब मैंने x की वैल्यू लिखी 1, 2, 3, 4, और y की वैल्यूज़ में लिख रहा हूँ लेट सपोज 9, 8, 6, 2। अब x की वैल्यू 1 पर मुझे 9 ही मिल रहा है, x की वैल्यू 2 पर भी 9 मिल रहा है, x की वैल्यू 3 पर भी 9 मिल रहा है, x की वैल्यू 4 पर 6 मिल रहा है। तो ये भी एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है। मींस 1 लिखने पर 9 मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि 1 लिखने पर 8 भी मिल रहा हो, 6 भी मिल रहा हो, 2 भी मिल रहा हो। हाँ, ये अलग बात है कि डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट मिल रहा है, जैसे 1, 2, 3 तीनों पर हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, तब भी हम इसे फंक्शन ही कहेंगे, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स एक इनपुट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए, ओनली 1 आउटपुट, तो हम उसे फंक्शन कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा हो तो वो फंक्शन नहीं होता। और बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए ना, जैसे ये 2 + 3 लिखूंगा मैं कैलकुलेटर में तब भी मुझे आउटपुट 5 मिलेगा, 1 + 4 लिखूंगा तब भी 5 मिलेगा, और इसी तरह अगर मैं 9 - 4 लिख देता हूँ तब भी मुझे 5 मिलेगा। तो देखा जाए तो हर केस में मेरा इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट सेम मिल रहा है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यूँ हो कि 2 + 3 लिखने पर कभी मुझे कैलकुलेटर आंसर 5 दे रहा हो और कभी मुझे कैलकुलेटर आंसर 2 + 3 लिखने पर 10 दे रहा हो, तो हम कहेंगे ये सही फंक्शन नहीं कर रहा। मीन्स इस कैलकुलेटर की फंक्शनिंग सही नहीं है, वो सही ऑपरेट नहीं कर रहा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि इनपुट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। हाँ, वो आउटपुट हो सकता है किसी और इनपुट पर भी मिलता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। अगर ये इस तरह का रिलेशनशिप होता, यानी सपोज़ 1, 2, 3 लिख देते हैं यहाँ पर और 9, 8, 7 लिख देते हैं। अब 1 पर हमें 9 भी मिल रहा है और 1 पर हमें 8 भी मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमारे पास एक इनपुट पर एक से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप है। बाकी ये दो रिलेशन भी थे और फंक्शन भी थे। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रॉपर डेफिनेशन ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है। अ फंक्शन इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी दो सेट हैं एलिमेंट्स के, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, दो सेट हैं एलिमेंट्स के, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहे हैं हम कि 1 पर 9 मिल रहा है, 2 पर 8 मिल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर हैं एक तरह से, एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। देयर कॉरेस्पॉन्ड्स 1 और ओनली 1 एलिमेंट इन द सेकेंड सेट, के इस सेट की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सिर्फ एक ही होनी चाहिए और सिर्फ एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसे हम फंक्शन कहेंगे। तो ये जो फर्स्ट लेटर हमने लिखा था इसे हम कहते हैं डोमेन, और जो सेकंड सेट से हमें आउटपुट मिल रहा है उसे हम कहते हैं रेंज। इलस्ट्रेटेड एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ये डोमेन है, ये रेंज है। जैसे नंबर है -2, -2 का क्यूब करेंगे -8 आएगा, -1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 0 का क्यूब करेंगे 0 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। तो एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, यानी मेरा फंक्शन क्या है? मेरा फंक्शन ये है कि जो भी इनपुट होगा, इनपुट को हम एक्स से शो करते हैं, जो भी इनपुट होगा फंक्शन का आउटपुट ये करेगा कि उस इनपुट वैल्यू का क्यूब ले लेगा, तो हमारा एक f ऑफ x यानी फंक्शन बन जाएगा। तो ये एक इक्वेशन है, फंक्शन की इक्वेशन बन गई, फंक्शनल फॉर्म भी इसे कह सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब।
मैंने एक्स की वैल्यू इनपुट कर दीजिए, उसको सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा वो एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन का आउटपुट कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर स्क्वायर करना है, माइनस टू को स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, माइनस वन को स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 0 को स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इसमें भी देखें एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा है। हाँ, दो इनपुट पर सेम आउटपुट मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है। अगर यहाँ माइनस टू से 4 की तरफ भी एरो जा रहा होता और माइनस टू से 0 पर भी जा रहा होता तब ये फंक्शन नहीं होता, इस वक्त ये फंक्शन है। क्या फंक्शन फॉर्म होगी इसकी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स की यानी इनपुट की जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको रेंज यानी आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, डोमेन है हमारे पास और रेंज नंबर 0 है और यहाँ स्क्वायर रूट किया जा रहा है। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1 भी होता है माइनस 1 भी होता है, 4 का स्क्वायर रूट प्लस 2 भी होता है माइनस 2 भी होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 भी होता है और माइनस 3 भी होता है। तो इस रिलेशनशिप को अगर हम लिखें कि इसकी रिलेशनशिप ये है, सपोज y लिख देता हूँ मैं कि y की वैल्यू कैसे आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ x लेकर आ रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। उसका रीज़न ये है कि इनपुट जब देंगे हम, यानी x की वैल्यू सपोज मैं 4 लिखता हूँ तो मेरा इनपुट 4 हो जाएगा, और जब इस 4 को मैं सॉल्व करूँगा 4 का स्क्वायर रूट प्लस 2 भी होता है और माइनस 2 भी होता है, तो मुझे दो आंसर्स मिल रहे हैं। तो क्योंकि दो डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं एक ही इनपुट पर, तो इसलिए हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। इक्वेशन ये है, इसका कोई इनकार नहीं है, इक्वल होंगे दोनों, लेकिन फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास जैसे कुछ फंक्शन की देखें फंक्शनल फॉर्म्स हमें दी हुई हैं। जैसे इन एक्सरसाइज 1 to 16 कहा गया कि डिटरमिन एफ ऑफ 0, ब्रैकेट में याद रखिएगा अगर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स जो ब्रैकेट में शो किया जाता है ये इनपुट को शो करता है यानी डोमेन को शो करता है, और उस पूरे को सॉल्व करके जो हमें आंसर मिलता है वो रेंज को शो करता है। यानी लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-10। मीन्स इस फंक्शन का काम क्या है, इसको जो भी इनपुट मिलेगा वो उसे 5 से मल्टीप्लाई करेगा और उसमें से 10 माइनस कर देगा। तो अब हमें कहा गया एफ ऑफ 0 निकालिए, एफ ऑफ 0 का मतलब इनपुट की जगह पर 0 लिख दीजिए। तो 5 × 0 इज 0, -10, 0 - 10 इज -10। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो आउटपुट 0 पर होगा वो -10 के बराबर होगा। अच्छा, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एफ ऑफ -2 निकालना सेकेंड पार्ट में, एफ ऑफ -2 मीन्स हमें इस फंक्शन में एक्स को -2 से रिप्लेस कर देना है। तो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-10, तो हम एक्स को -2 से रिप्लेस करते हैं। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 5 - 2 - 10, 5 × -2 करेंगे तो -10 आएगा और ये भी -10 हो जाएगा, और -10 और -10 -20 हो जाएगा, तो f ऑफ -2 इज -20। इसी तरह हमें f ऑफ a+b फाइंड आउट करना है, तो f ऑफ a+b के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x-10, x को हम a+b से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर भी एफ एक्स को हम a+b से रिप्लेस करेंगे। तो 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 5a, 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 5b, -10। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि a, b दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते और ये कांस्टेंट नंबर है। तो क्योंकि हमारा इनपुट वेरिएबल फॉर्म में है तो आउटपुट भी हमारा वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सपोज़ क्वेश्चन 3 भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, 2 भी ऐसे ही होगा, हमें सिर्फ x की जगह पर पहले 0 पुट करना है, फिर x की जगह -2 पुट करना है, फिर x की जगह a+b पुट करना है। कोई वेरिएबल वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स से हम क्वेश्चन 5 करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है mx+b। क्वेश्चन 5 हम करने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mx+b। तो पहली चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो है एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 का मतलब हम x को 0 से रिप्लेस करेंगे, तो एम ऑफ 0 इज 0+b और 0+b b होता है, तो एफ ऑफ 0 इज b। ये हमारा पार्ट a का आंसर आ गया।
अच्छा सेकंड पार्ट में हमें कहा गया कि एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करना है हमें, तो हम इस इक्वेशन में x की जगह पर माइनस टू सब्सटीट्यूट करेंगे, m इंटू माइनस टू प्लस बी, तो माइनस टू एम प्लस बी, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज़ द फाइनल आंसर। उसके बाद हमें f ऑफ a प्लस बी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम f ऑफ a प्लस बी इज़ इक्वल टू m, x की जगह पर a प्लस बी लिखेंगे और प्लस बी वैसे ही रहेगा, तो m को a से मल्टीप्लाई करेंगे m a, m को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो m b एंड प्लस बी, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। ऑल्टरनेट फॉर्म भी हो सकती है कि हम इन दोनों में से b कॉमन लेके m प्लस वन लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म भी एक्सेप्टेबल होगी और ये फॉर्म भी एक्सेप्टेबल होगी। तो यहाँ पर हमें इन तमाम सवालात में ऐसे ही करना है कि हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे x को 0 से, फिर x को माइनस टू से, फिर x को a प्लस बी से। एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्यूबिक इक्वेशन का एक क्यूबिक फंक्शन ले लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फोर, और ये है क्वेश्चन नंबर 15। एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो अब इसमें हम सबसे पहले एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है, तो हम एक्स को जीरो से रिप्लेस करेंगे, और देखा जाए तो फंक्शन में एफ ऑफ ज़ीरो से मुराद ये होता है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी दूसरे अल्फाज में हम ये वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर रहे हैं इस फंक्शन का। तो ज़ीरो क्यूब माइनस टू इंटू ज़ीरो प्लस फोर, तो ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो होता है, टू मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये सिर्फ फोर आंसर आ गया, तो एफ ऑफ ज़ीरो इज़ फोर। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया कि एफ ऑफ माइनस टू फाइंड आउट कीजिए, तो f ऑफ माइनस टू के लिए हम x को माइनस टू से रिप्लेस करेंगे, यहाँ भी माइनस टू आना चाहिए। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस टू का क्यूब माइनस एट होता है, माइनस माइनस प्लस, टू टू ज़ार फोर प्लस फोर, तो माइनस एट एंड ये प्लस एट बन जाता है और ये ज़ीरो आंसर आ गया, तो f ऑफ नेगेटिव टू इज़ ज़ीरो, यानी इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू नेगेटिव टू होगी तो y ज़ीरो होगा, यानी इनपुट अगर नेगेटिव टू होगा तो y की वैल्यू आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। f ऑफ a प्लस बी, तो हम इसमें x को a प्लस बी से रिप्लेस करेंगे, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस टू इंटू ए प्लस बी प्लस फोर, ए प्लस बी का होल क्यूब फाइंड आउट करेंगे। वैसे यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और माइनस को टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ए आएगा और ये माइनस टू बी बन जाएगा एंड प्लस फोर, ये हमारा आंसर आ गया एफ ऑफ ए प्लस बी का। इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी हम आप इक्वेशन को डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इनकी डिग्री भी अरेंज कर सकते हैं, यानी एक क्यूब पहले आएगी, फिर ए की पावर टू वाली टर्म आएगी जो कि ये है, फिर ए की पावर वन वाली टर्म्स आएंगी, थ्री ए बी स्क्वायर एंड माइनस टू ए, अब बी की टर्म्स शुरू हो जाएंगी, तो बी की टर्म्स हमारे पास है बी क्यूब एंड देन बी स्क्वायर वाली टर्म थ्री ए बी स्क्वायर जो कि हम पहले लिख चुके हैं, एंड देन माइनस टू बी प्लस फोर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टर्म मिस नहीं हुई तो हम काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जी सारी टर्म्स हमने लिख ली हैं, तो ये एफ ऑफ ए प्लस बी का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन वन से लेकर
क्वेश्चन 16 तक ये सारे सवाल समझ आए गए होंगे कि हमें किस तरह इनको सॉल्व करना है। बेसिक आइडिया यही है कि हमें इनपुट गिवन है और पूछा गया कि इस इनपुट पर आउटपुट क्या आएगा। फिलहाल तो सिर्फ ये इनपुट आउटपुट की बात हो रही है, लेकिन आगे चलकर यही इनपुट और आउटपुट जो है कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगी। यानी हो सकता है कि इनपुट जो है वो प्राइस हो और आउटपुट क्वान्टिटी डिमांडेड हो जाए, इनपुट जो है वो यूनिट्स हों और आउटपुट उनकी टोटल कॉस्ट हो जाए, टोटल रेवेन्यू हो जाए, टोटल प्रॉफिट हो जाए, एंड सो ऑन। तो वो नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है डोमेन एंड रेंज का, और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रिस्ट्रिक्टेड रेंज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले डोमेन, अब हम पहले भी सीख चुके थे कि डोमेन से मुराद होता है कि एक्स की वैल्यूज़। अगर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कोई एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये x इनपुट होता है, डोमेन मीन्स x की वैल्यूज़ यानी इनपुट की वैल्यूज़, और रेंज का मतलब होता है आउटपुट वैल्यूज़। अब एक छोटा सा मैं आपको लीनियर फंक्शन बनाकर उसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की हमने प्राइस रखी है 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमारा जो आउटपुट हो, जो टोटल रेवेन्यू होगा वो होगा 10x। मीन्स अगर आप एक यूनिट सेल करते हैं तो 10 रुपीज़ आपका रेवेन्यू होगा, दो यूनिट सेल करते हैं तो 10 × 2 = 20 हो जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि रेवेन्यू इज़ द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी रेवेन्यू फंक्शन है जो कि होगा 10x के बराबर, जहाँ पर x से मुराद इनपुट है जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, और r ऑफ x यानी इनपुट, इस इनपुट पर जो आउटपुट होगा वो रेवेन्यू होगा। ये एक हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। अब इस रेवेन्यू फंक्शन में हमारे पास डोमेन यानी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्या होंगी। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स ज़ीरो से स्टार्ट होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स ये हो सकता है कि आप ज़ीरो सेल करें, नेगेटिव नंबर ऑफ़ यूनिट्स सेल नहीं कर सकते आप, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन आ गई एक। दूसरी बात, हो सकता है आपकी मशीन की कैपेसिटी इतनी है कि आप 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स नहीं बना सकते, तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहलाएगी कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो से लेकर 10,000 तक हो सकती हैं, तब तक हमारा रेवेन्यू ये होगा। तो ये हमारी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गई। इसी तरह रेंज में भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कोई। सपोज़ हम ये कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स की जो है वो टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कि किसी जगह हम कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं किसी पिकनिक का या कोई भी, तो उसमें हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन बन रहा है कि कॉस्ट इज़ इक्वल टू सपोज़ 10,000 हमारी एक फ़िक्स कॉस्ट है, जहाँ हम पिकनिक पर जा रहे हैं वहाँ 10,000 रुपीज़ आपको फ़िक्स पैसे अदा करने ही हैं। हो सकता है ये बुकिंग चार्जेस हों वहाँ के, और इसके अलावा प्लस पर स्टूडेंट एंट्री फ़ी है 500 रुपीज़, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब सपोज़ अगर आप सिर्फ एक स्टूडेंट को लेकर जा रहे हैं तो 10,000 आपकी बुकिंग चार्जेस वो आपको देने ही देने हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट ना जाए, और प्लस 1,000 के 500, तो आपको 10,500 पे करनी पड़ेगी टोटल कॉस्ट। तो ये आपका एक फंक्शन बन गया कि इनपुट आप यानी इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनपुट करें तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपकी टोटल कॉस्ट इस पिकनिक की क्या होती है। अब इसमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो सकती है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ये हो सकती है कि स्टूडेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, और प्लस सपोज़ आपकी स्टूडेंट आपकी क्लास में अगर सिर्फ 50 स्टूडेंट्स हैं तो आप 50 से ज़्यादा स्टूडेंट ले जा ही नहीं सकते, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गई। रिस्ट्रिक्टेड रेंज क्या हो सकती है। रिस्ट्रिक्टेड रेंज ये हो सकती है कि हो सकता है आपका बजट सिर्फ लेट से हम कहते हैं कि 50,000 रुपीज़ है, तो हम ये कहेंगे कि मिनिमम कॉस्ट 10,000 आएगी और मैक्सिमम कॉस्ट 50,000 हो सकती है। फिलहाल हम इस 50 को इग्नोर कर रहे हैं, यानी जब हम ये लिख रहे हैं तो फिर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ये दो इंडिपेंडेंट केसेस हैं, वरना हम आगे सीखेंगे कि अगर हमें डोमेन गिवन हो तो उसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस रेंज का इस डोमेन से कोई ताल्लुक नहीं है, हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 10,000 सपोज़ हम कह रहे हैं कि मिनिमम कॉस्ट लगेगी, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं जाता तो 10,000 तो देने ही पड़ेंगे, और मैक्सिमम कॉस्ट हमारा बजट ही 50,000 का है, तो हमें इस रेंज में रहते हुए यानी वाई की पॉसिबल वैल्यूज़ में रहते हुए हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि हम कितने ले जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रिस्ट्रिक्टेड रेंज का फ़र्क समझ आ गया होगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि किसी भी फंक्शन की, फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू हम कह देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स,
तो एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं इसमें। तो एक्स की हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उससे स्क्वायर रूट का रियल आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर तो चाहे जितनी भी हो जाए लेकिन टू हो सकती है, टू से स्मॉलर नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं इसकी डोमेन है एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। तो ये इसकी डोमेन हो गई, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 से स्मॉलर हो जाएगी, सपोज़ हम 1 कह देते हैं, तो ये 1 माइनस टू नेगेटिव 1 हो जाएगा और नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, रियल आंसर उसका पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए इसकी डोमेन नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि डिटर्मिन दी डोमेन ऑफ ईच फंक्शन, मीन्स x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लेट सपोज क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन 17 पे अगर आप गौर करें तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, यानी इनपुट की जगह हम यूँ कह सकते हैं कि ये f ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस 10 प्लस 0x लिखा हुआ है। मीन्स आप x की चाहे कोई भी वैल्यू पुट कर लें, y की वैल्यू आपको माइनस 10 ही मिलेगी। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन मीन्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी। तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसकी डोमेन को इस तरह लिखेंगे कि d, क्योंकि सेट नोटेशन में लिखते हैं हम यूजुअली, x where x is a member of all real numbers, कि x कोई भी real number आप substitute कर लें, आप सारी इसकी domain है, सारी values possible है इसके लिए। इसी तरह 18 में भी यही होगा, क्योंकि x इसमें है ही नहीं, तो x की चाहे कुछ भी value आप put कर दें, y की value तो 25 ही आपको मिलेगी। तो हम इसके domain का set बनाएंगे x where x is a member of all real numbers। क्वेश्चन 19 में देखते हैं 5x माइनस 10, इसमें आप x की क्या क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। हम इसमें सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसकी डोमेन भी हम लिखेंगे x वेयर x इज़ मेंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कि x की कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भी वही है ऑल रियल नंबर्स, यहाँ भी वही है ऑल रियल नंबर्स, यहाँ भी ऑल रियल नंबर्स है। यानी हम आसान अल्फाज में कह रहे हैं कि अगर कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन की हमसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, जैसे यूनिट्स हैं नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हम यहाँ कह सकते थे कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कह रहे हैं एक्स की कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वाई का आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वाई नॉट पॉसिबल हो। इसी तरह यहाँ पर भी यही रहेगा। अब क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन 23 में है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन 23 में अगर आप गौर करें, यहाँ पर भी आप x की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो d इज़ इक्वल टू x वेयर x इज़ अ मेंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं दी हुई। हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोमेन x की यही रहेंगी। रेंज की बात बाद में करेंगे, रेंज पूछा ही नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह रहे कि इसके में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y क्या होंगी या क्या नहीं होंगी। इसमें भी वही है, सारे रियल नंबर्स हैं। क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन 25 में अच्छा ये थोड़ी सी प्रिंटिंग यहाँ पर मिस हो गई है कि x प्लस 4 का स्क्वायर रूट, इस तरह क्वेश्चन है ये। अब इसमें जहाँ पर स्क्वायर रूट आपको नज़र आ जाए, फ्रैक्शन नज़र आ जाए, तो वहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन 25 को हम अलग से सॉल्व करते हैं यहाँ पर नीचे। क्वेश्चन 25 है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो से ग्रेटर हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इसको यूँ कहते हैं कि एक्स प्लस 4 यानी स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू या तो ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर हो। और इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, यहाँ माइनस 4। तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी डोमेन है एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 4। इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर सेट नोटेशन में लिखना चाहें तो डी एक्स वेयर एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स हम इसमें क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू माइनस 4 हो सकती है और माइनस 4 से बड़ी हो सकती है, माइनस 4 से स्मॉलर नहीं हो सकती। लेट सपोज माइनस 4 से बड़ी वैल्यू कोई मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, ठीक है, पॉसिबल है। इसी तरह अगर मैं माइनस 4 से कोई और बड़ी वैल्यू सपोज 10 पुट कर देता हूँ, 16 पुट कर देता हूँ, 10 पुट करता हूँ तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं माइनस 4 से कोई स्मॉलर वैल्यू पुट करता हूँ, लेट सपोज माइनस 5 इसमें अगर सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो माइनस 5 और प्लस 4
बन जाएगा माइनस वन, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस वन हो तो उसका रियल आंसर पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हमने इसकी डोमेन कही कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर लिखा हो तो एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस फोर इसकी डोमेन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ज़ाहिर है एक सवाल से अच्छी तरह से समझ नहीं आता। क्वेश्चन 26 में भी यही हमारे पास, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है माइनस टू एक्स प्लस 25। तो इसमें अगर हम बात करें तो वही कंडीशन रहेगी हमारी कि माइनस टू एक्स प्लस 25 को लाजमी तौर पर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस टू एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 25। और हमने इनइक्वालिटीज़ में सीखा था अगर हम नेगेटिव वैल्यू से इनइक्वालिटी को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो हम नेगेटिव टू से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो नेगेटिव टू कैंसिल हो गए और हमारी डोमेन आई एक्स मस्ट बी लेस देन माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 25 डिवाइडेड बाई 2 बनता है 12.5 भी लिख सकते हैं, 25 ओवर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी डोमेन है एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 12.5। इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन 27 की बात करते हैं, माइनस टी माइनस 8 नीचे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टी माइनस 7। तो इस क्वेश्चन में वही सेम कंडीशन होनी चाहिए कि माइनस टी माइनस 7 ग्रेटर या ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, ज़ीरो से स्मॉलर नहीं हो सकता। माइनस 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। अब टी के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये माइनस 1 ख़त्म हो जाए, तो हम बोथ साइड माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। इस अगले स्टेप में करना चाहिए हमें। तो जब हम माइनस 1 से बोथ साइड डिवाइड करते हैं, किसी नेगेटिव वैल्यू से किसी इनइक्वालिटी को बोथ साइड डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये माइनस वन कैंसिल हो गए, टी इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस 7। ये हमारी डोमेन का आंसर है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या डोमेन इज़ इक्वल टू टी वेयर टी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू माइनस 7, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। जैसे हम कोई स्क्वायर, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हम सॉल्व करते हैं, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन 28, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि 9 माइनस टी स्क्वायर को लाजमी तौर पर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, और 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो इसकी बिल्कुल हम उसी तरह कंडीशंस बनाएंगे कि दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। तो दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो कब हो सकता है? ज़ीरो तब हो सकता है कि जब पहली वैल्यू भी, यानी पहला फैक्टर भी ज़ीरो हो एंड या और दूसरा फैक्टर भी ज़ीरो हो। पहली कंडीशन ये थी, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो टी इज़ इक्वल टू थ्री एंड माइनस थ्री एंड टी इज़ इक्वल टू थ्री, इसे मैं सही करके लिख देता हूँ। टी इज़ इक्वल टू माइनस थ्री एंड टी इज़ इक्वल टू थ्री। कंडीशन टू की बात करते हैं। कंडीशन टू ये बनेगी हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव है तो दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब यह है कि थ्री प्लस टी भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और थ्री माइनस टी भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अगर 3 प्लस टी ग्रेटर देन 0 है, 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो t मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 3। और इसी तरह अगर हम t को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, 3 इज़ ग्रेटर देन t, या दूसरे अल्फाज में t इज़ लेस देन 3, यानी 3 t से बड़ा है तो t 3 से छोटा है। तो एक ये हमारे पास आंसर आया कंडीशन 2 में। इसके अलावा दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब दोनों प्रोडक्ट यानी दोनों फैक्टर्स नेगेटिव हों। तो हम कंडीशन 3 लिखते हैं। कंडीशन 3 में हमने लिखा 3 प्लस टी इज़ नेगेटिव, ऑल्सो 3 माइनस टी इज़ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव एक साथ होंगे। तो टी इज़ लेस देन माइनस 3
और 3 इज लेस देन टी, तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं टी इज ग्रेटर देन 3। तो अब हमें देखना है इनमें से कौन सी सिचुएशंस, कौन सी वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। कंडीशन 1, टी इज़ माइनस 3, अगर हम इसमें माइनस 3 सब्सटीट्यूट कर दें तो प्लस 3 और माइनस 3 जीरो हो जाएगा, और जीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी जीरो होगा, तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि या तो जीरो आना चाहिए या जीरो से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। टी की वैल्यू 3 पुट करते हैं, यहाँ पर 3 प्लस 3 तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, और जीरो मल्टीप्लाई बाय पहला वाला ब्रैकेट यानी 6 वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई करती है। t is greater than minus 3, minus 3 से कोई बड़ी वैल्यू, माइनस 3 से बड़ी वैल्यू हम सोच लेते हैं 1, तो 3 प्लस 1 ये 4 बन जाएगा, और 3 माइनस 1 ये 2 बन जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 होता है, और 8 ग्रेटर देन होता है 0 से, तो ये भी सेटिस्फाई करती है। 3 से स्मॉलर वैल्यू, 3 से स्मॉलर वैल्यू हमने 1 ले ली बिल्कुल, तो ये भी सेटिस्फाई करता है। माइनस 3 से स्मॉलर वैल्यू, माइनस 3 से स्मॉलर वैल्यू सपोज हम माइनस 4 ले लेते हैं, वैसे यहीं से पता लगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए माइनस 3 से स्मॉलर वैल्यू सोच लेते हैं, माइनस 4 सोच लेते हैं सपोज। तो अगर माइनस 4 होगा तो 3 माइनस 4 यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, और 3 माइनस माइनस का 4 यहाँ 7 आ जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज़ माइनस 7, और माइनस 7 कभी भी जीरो से बड़ा नहीं होता, नेगेटिव वैल्यूज हमेशा जीरो से स्मॉलर ही होती हैं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह 3 इज़ ग्रेटर देन 3, टी इज़ ग्रेटर देन 3, 3 से कोई बड़ी वैल्यू सोचते हैं हम, सपोज 3 से बड़ी वैल्यू हम 10 सोच लेते हैं, तो अगर 3 प्लस 10 ये 13 हो जाएगा, और 3 माइनस 10 इज़ माइनस 7, माइनस 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आंसर ही आ जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू कभी भी जीरो से बड़ी नहीं होती, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये डोमेन हमारी जो है उसमें क्या क्या होनी चाहिए, टी की वैल्यू या तो माइनस 3 होनी चाहिए या माइनस 3 से स्मॉलर होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं टी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, इक्वल टू, सॉरी हम ग्रेटर, ये तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। तो हम अपने आंसर में ये दो चीज़ें शामिल कर रहे हैं कि 3 की वैल्यू माइनस 3 हो या माइनस 3 से बड़ी हो, 3 हो या 3 से स्मॉलर हो, तो हम यूँ कह सकते हैं कि टी की वैल्यू माइनस 3 से लेकर 3 के दरमियान हो, और बिल्कुल देखें ऐसा ही है, माइनस 3 से बड़ी वैल्यूज़ माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, और 3 से स्मॉलर हो तो फिर हम 3 से स्मॉलर वैल्यूज़ हमारे पास 2, 1, 0, तो ये हम ले रहे हैं, और वो क्योंकि इक्वल है तो इसलिए हमने इक्वल भी शामिल कर लिया, तो ये हमारी इसकी डोमेन बन गई। राइट जी, इसी तरह हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो काइंडली मैं रेकमेंड करूँगा चैप्टर 1 की जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनको आप रिवाइज़ कर लीजिए, उसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना मैंने सिखाया है, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक वाले तो हमने सीख लिए कैसे होंगे, ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा। अब हमारे पास एक आ रहे हैं फ्रैक्शन में हमें एक्स नज़र आ रहा है, इस ऐसे फ्रैक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में एक्स मौजूद हो, उसको रैशनल फंक्शन कहते हैं, यानी रेशो में होता है, रैशनल फंक्शन होता है। तो कौन सा क्वेश्चन था वो, ऊपर दोबारा जाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 31, 10 अपॉन 4 माइनस एक्स, क्वेश्चन नंबर 31, 10 अपॉन 4 माइनस एक्स। इस फंक्शन की हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, याद रखिए किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, यानी कि फॉर एग्जांपल हम 2 अपॉन 0 नहीं कह सकते, 2 अपॉन 0 तो अनडिफाइंड होता है, आप कैलकुलेटर में भी लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 0 तो आपको मैथ एरर मिल जाएगा। मींस कोई फ्रैक्शन अगर हो तो उसमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो इसकी डोमेन की रिस्ट्रिक्शन क्या बन रही है कि 4 माइनस एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 4 को x नहीं होना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में x को 4 नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि x की कोई भी दुनिया जहान की वैल्यूज़ हो सकती है लेकिन x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती इस फंक्शन में, क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और 10 अपॉन 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनडिफाइंड हो जाएगा उसको, ये पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारी डोमेन क्या हुई, हमारी डोमेन होगी x फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x वेयर x कैन नॉट बी 4, x4 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है।
तो अब ये रैशनल फंक्शन ऐसा फंक्शन था जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फंक्शन था, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए भी सिचुएशन वही रहेगी कि हम जो डिनोमिनेटर है इसे फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज़ करें तो x माइनस 4 और डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 16 होता है, तो 8 और माइनस 2 इसके फैक्टर बन रहे हैं। जिस तरह हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह हमें फैक्टराइजेशन करनी होती है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ ऑल्सो 16। तो अगर हम माइनस 8 और प्लस 2 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 आएगा, और इन्हें ऐड कर लेंगे तो हम माइनस 6 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16, और इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो x माइनस 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा इन दोनों में से अगर हम x कॉमन लें फर्स्ट टू नंबर्स में से, फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो x बचेगा और माइनस 8। इसी तरह प्लस 2 अगर लास्ट टू टर्म्स से कॉमन निकालें तो x माइनस 8 ही बचेगा। और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 एंड x प्लस 2। अब ये फैक्टराइज फॉर्म में आ चुका है, तो हम ये कहेंगे इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, मीन्स x माइनस 8 भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एंड यानी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और x प्लस 2 भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी अगर ज़ीरो हो गया तो पूरा डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाएगा, मीन्स x की वैल्यू 8 नहीं हो सकती, क्योंकि 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 2 नहीं हो सकती। तो मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू माइनस 8 नहीं हो सकती, x की वैल्यू माइनस 2 नहीं हो सकती, इसके अलावा x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसकी हम डोमेन लिख रहे हैं कि डोमेन होगा x फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x वेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 2 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 8। बाकी इसके अलावा तमाम वैल्यूज़ इस फंक्शन के लिए पॉसिबल हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हमारे पास डिनोमिनेटर में, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं, इसमें आप डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आपको क्यूबिक इक्वेशन नज़र आएगी। तो एक हम क्वेश्चन 35 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दो बातें खास हैं, पहली बात यह है कि डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन है, और दूसरी बात यह है कि न्यूमरेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट भी मौजूद है। तो क्वेश्चन को मैं अपने पास कहीं लिख लेता हूँ ताकि हमें दोबारा ऊपर ना आना पड़े इसे देखने के लिए। 2.5x माइनस 20 का स्क्वायर रूट है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 15x। तो क्वेश्चन है f ऑफ x is equal to question 35 f of x is equal to 2.5x minus 20 square root में, और denominator में हमारे पास जो function इससे divide हो रहा है वो है x cube plus 2x square minus 15x। तो अब numerator पे अलग condition लगेगी, denominator पर अलग condition लगेगी। तो numerator की condition ये है कि 2.5x माइनस 20 का जो आंसर है ये लाजमी तौर पर ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन ज़ीरो से स्मॉलर नहीं हो सकता, मींस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं x के लिए। 2.5x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव 20, एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2.5। तो जब हम 20 को 2.5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 8। तो इसका मतलब एक कंडीशन ये आई कि x मस्ट बी और इक्वल टू ग्रेटर देन 8। अच्छा, साथ ही साथ यानी 8 से छोटा होगा तो वह हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 15x है। अगर हम इसे फैक्टराइज करना चाहें तो इनमें x कॉमन है, x हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बचता है। तो अगर हम इसे और मज़ीद फैक्टराइज़ करें, फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है तो बिल्कुल करेंगे हम। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 इज़ माइनस 15, एंड हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आए और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए, तो वो 3 और 5 होते हैं।
3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 15, और अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे आप तो फिर आपको पॉजिटिव 2 मिल जाएगा. तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स बनने चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप माइनस 3x पहले लिखें या 5x पॉजिटिव बाद में लिखें, ये इनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है. तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. इन दोनों में से x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 3 रिमेनिंग बचेगा, और प्लस इनमें से 5 कॉमन लिया तो यहाँ भी x माइनस 3 बचेगा. तो अब हमारे पास फैक्टर्स ये बन रहे हैं अंदर कि एक ब्रैकेट में x माइनस 3 है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 है. तो लार्ज ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, हम यूँ कह सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5. तो हम ये कह रहे हैं कि इसका ज़ीरो, इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो ये ज़ीरो कब होगा? जब x की वैल्यू 3 हो जाए, ताकि 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, x खुद ज़ीरो हो जाए, या फिर x की वैल्यू माइनस 5 हो जाए. तो इसे हम नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, इसे हम यूँ लिख देते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा. तो अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये x खुद भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एंड x माइनस 3 है ये भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x 3 नहीं होना चाहिए. और इसके अलावा x प्लस 5 ये भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x माइनस 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो अब अगर आप गौर करें, जब हमने कहा कि x की वैल्यू 8 या उससे बड़ी होनी चाहिए, तो फिर अंडरस्टूड है कि ये कंडीशन इतनी स्ट्रांग है कि इन कंडीशंस को ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाई कर रही है. कि अगर हम कह रहे हैं 8 या 8 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 8 से स्मॉलर नहीं होनी चाहिए. 8 से स्मॉलर नहीं होनी चाहिए का मतलब 7 नहीं हो सकती, 6 नहीं होती, 5 नहीं हो सकती, तो 0 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, माइनस 5 भी नहीं हो सकती. तो ये करना ज़रूरी था, लेकिन अगर हमारी एक इनइक्वालिटी सारी कंडीशंस को फिल कर रही है तो ये भी हमारे लिए काफ़ी है. तो हम ये कहेंगे कि सिर्फ एक ही डोमेन इसकी है, वो ये है कि एक्स की वैल्यू 8 से ग्रेटर होनी चाहिए या 8 के इक्वल होनी चाहिए, 8 से लेस नहीं हो सकती. यानी कि 3 नहीं हो सकती, वो तो अंडरस्टूड है. क्योंकि अगर 8 से लेस हम ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, वो भी तो नहीं हो सकते. तो अगर उससे लेस नहीं हो सकते तो अंडरस्टूड है, ये भी फिर वो ऑटोमेटिकली नहीं होंगे. अच्छा, तो अब ये क्यूबिक इक्वेशन का भी हमने देख लिया और स्क्वायर रूट में भी देख लिया हमने किस तरह सॉल्व किया जाता है. हमारे पास कोई और टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं, क्वेश्चंस में ऐसी मौजूद नहीं है. तमाम क्वेश्चंस का ये 40 तक जो है हमारे पास तकरीबन ऐसे ही क्वेश्चंस हैं. तो हमने इस एक्सरसाइज में क्या क्या सीखा, मतलब स्पेसिफिकली इस पार्ट में कि डोमेन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हम यहाँ पर उसकी एक समरी बना लेते हैं जो ऊपर के सारे क्वेश्चंस को समराइज़ कर लेगा. अगर आपको डोमेन फाइंड आउट करनी हो एक कांस्टेंट फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी, तो उसकी डोमेन अगर रिस्ट्रिक्शन कोई ऐसी वर्बली नहीं बताई हुई, तो फिर हम ये कहेंगे कि इसकी डोमेन है सारे रियल नंबर्स, कोई भी नंबर आप पुट कर लें. इसी तरह अगर आपके पास कोई लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन यानी ए एक्स प्लस बी यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसकी डोमेन भी होगी ऑल रियल नंबर्स. इसी तरह अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसकी भी यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसकी भी डोमेन आप कहेंगे कि सारे रियल नंबर्स, x की कोई भी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि कोई खुद से रिस्ट्रिक्शन ना दियो. यानी फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट्स कह रहा है, तो यूनिट्स हमें पता है नेगेटिव नहीं हो सकते, तो फिर वो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन हम कहेंगे. लेकिन अगर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, सिर्फ हमें ये फंक्शन की इक्वेशन गिवन है, तो उसमें कहेंगे ऑल रियल नंबर्स. इसी तरह कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल से मुराद ये है कि x की पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए, यानी x की पावर 1 हो तब भी वो पॉलिनोमियल कहलाता है. तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी डोमेन जो होगी वो होगा ऑल रियल नंबर्स. हमने पहली बात ये सीखी. दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन वो होता है जो दो फंक्शंस को डिवाइड करके आता है, या आसान अल्फाज में डिनोमिनेटर में अगर आपको कोई फंक्शन यानी x के साथ मिल जाए, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज 2x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके नीचे डिनोमिनेटर में एक और आपको कोई पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है, यानी 5x माइनस 3 नज़र आ रहा है, तो फिर आप ये कहेंगे कि ये डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये आपकी डोमेन हो जाएगी. और अगर यहाँ कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्यूबिक फंक्शन हो, तो भी उसकी फैक्टराइजेशन करके उन सारे फैक्टर्स को नॉट इक्वल टू ज़ीरो करके आप फाइंड आउट करेंगे. यानी क्वाड्रेटिक है तो अंडरस्टूड है दो फैक्टर बनेंगे, क्यूबिक है तो तीन फैक्टर बनेंगे. और इसी तरह अगर आपके पास कोई स्क्वायर रूट में फंक्शन आ जाए,
तो आप ये लिखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर के जो कंटेंट हैं, स्क्वायर रूट के अंदर सपोज़ मैंने लिख दिया है ये ब्रैकेट, तो आप ये कहेंगे कि ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अभी हमारे पास बाकी हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरह हैं कि हमें फंक्शन ऑटोमेटिकली बनाकर दिया हुआ है और हमें उसे सॉल्व करके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, द फंक्शन सी ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन को लिखने का तरीकेकार होता है, इसकी फंक्शन फॉर्म होती है सी मीन्स कोई कॉस्ट है, यहाँ लिखा भी हुआ है सी मीन्स कॉस्ट है जो कि एक्स पे डिपेंड करती है, और कॉस्ट की इक्वेशन क्या है 15x + 80,000। तो ये एक फंक्शन है हमारे पास, और क्या बताया जा रहा है कि द टोटल कॉस्ट इन डॉलर्स ऑफ मैनुफैक्चरिंग एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इफ़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स विच कैन बी प्रोड्यूस इक्वल्स 50,000। तो देखिए यहाँ पर उसने डोमेन बता दी कि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम जो हो सकती है वो 50,000 हो सकती है। स्टेट दी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज फॉर दिस कॉस्ट फंक्शन। तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्स और मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ज़ीरो हो सकते हैं, ज़ीरो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन ज़ीरो से कम नहीं हो सकते। तो इसकी डोमेन हम क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन है एक्स की वैल्यू ज़ीरो से लेकर 50,000 तक हो सकती है, क्योंकि यूनिट्स 50,000 से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई। इसका मतलब ये है कि अगर कॉस्ट हम ये यूनिट्स जो हैं वो ज़ीरो से लेके 50,000 तक बनाते हैं तो ज़ीरो यूनिट्स पर कितनी कॉस्ट आएगी और 50,000 यूनिट्स पर कितनी कॉस्ट आएगी, और अंडरस्टूड है कि इसके मिड में जो कॉस्ट होगी वो भी हमारी इंक्लूडेड होगी। तो हम सी ऑफ ज़ीरो निकालते हैं। सी ऑफ ज़ीरो का मतलब एक्स को ज़ीरो से रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज़ 80,000। और मींस मिनिमम कॉस्ट हमारी 80,000 तो आनी आनी है। इसे हम बिजनेस टर्म्स में कहते हैं फिक्स कॉस्ट, कि आप कोई भी यूनिट प्रोड्यूस ना करें तब भी आपको 80,000 की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। और अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी पर चले जाएं, दैट मींस आप अगर 50,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्स की जगह पर 50,000 आप सब्सटीट्यूट करेंगे प्लस 80,000, तो 15 × 50,000 अगर हम फाइंड आउट करें इस 750,000, और अगर उसमें 80,000 हम इंक्लूड कर लें तो आंसर आता है 830,000। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज मींस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई हैं फ्रॉम 80,000 टू 830,000। कि आप अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम से कम 80,000 आएगी। कम से कम 80,000 कब आएगी, जब आप ज़ीरो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉस्ट 830,000 आ सकती है, उससे ज़्यादा कॉस्ट आपकी नहीं आ सकती, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा कॉस्ट तब आएगी जब ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, और मैक्सिमम आप 50,000 यूनिट बना सकते हैं जिस पर आपकी इतनी कॉस्ट आएगी। मीन्स आपकी मिनिमम कॉस्ट 80,000 है, मैक्सिमम कॉस्ट 830,000 है। तो अगर आप बिज़नेस प्लान कर रहे हैं तो कम से कम बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त इतने पैसे आपकी जेब में होने चाहिए, और मैक्सिमम आप इतनी कॉस्ट इनकर कर सकते हैं तो ये मैक्सिमम आपके पास बैकअप में इतने पैसे हों, वगैरह वगैरह। आप इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फंक्शन का, कि द फंक्शन क्यू इज़ इक्वल टू एफ ऑफ पी। अगर सिर्फ इतना लिखा जाए क्यू इज़ इक्वल टू एफ ऑफ पी, तो इसका मतलब ये है कि क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि आगे क्वांटिटी डिमांडेड की बात की जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन है प्राइस का। मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ड्राइव की जा रही है प्राइस पर, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। और वो क्या है, वो है 280,000 − 35 पी। तो ये एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि इस पी की पावर 1 है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन, आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो अपनी जगह है, उसमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड रेंज पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। ये एक लीनियर फंक्शन है, इसमें वाई इंटरसेप्ट क्या बता रहा है कि अगर प्राइस ज़ीरो हो जाए तो कितनी डिमांड होगी, क्योंकि क्वांटिटी है। अगर प्राइस ज़ीरो हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड 280,000 होगी, यानी आसान अल्फाज में अगर आप फ्री में अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं तब भी आपके सिर्फ 280,000 ही लोग लेना पसंद करेंगे, उससे ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं होगी। क्योंकि बाद हो सकता है पॉपुलेशन ही इतनी हो कि उससे ज़्यादा लोग ना ले सकते हों, और डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल पानी भी अगर फ्री मिल रहा है तो लोग कितना लेंगे, नमक फ्री मिल जाए तो लोग कितना लेंगे, हालांकि पानी नेसेसिटी है लेकिन कितना लेंगे, उतना ले सकते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम जितनी उनके घर में स्टोरेज होगी या टैंक की कैपेसिटी होगी वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें देख कर ये इक्वेशन बनाई गई है कि अगर प्राइस ज़ीरो भी हो जाए तो भी 280,000 यूनिट्स आपके सेल होंगे, आपके मार्केट में डिमांड होगी इसकी। और स्लोप इसका -35 है, इसका मतलब यह है कि 1 रुपया प्राइस अगर आपने बढ़ा दी या $1 अगर आपने प्राइस बढ़ा दी तो 35 यूनिट्स आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाती है एंड वाइस वर्सा रिमेनिंग अदर थिंग कॉन्स्टेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड को ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के लिए, इस फंक्शन के लिए हमें कहा गया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज बताइए। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब होता है कि मैक्सिमम एक्स की मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हैं, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है क्यू। तो इससे पहले हम केसेस में एक्स और वाई कह रहे थे, ज़्यादा बेहतर वर्ड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं हर इक्वेशन में एक्स और वाई ही हमें मिले। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी पी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमें देखना है, वो डोमेन कहलाएगी। तो मिनिमम वैल्यू किसी भी चीज़ की प्राइस क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। तो हम पहले रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की हेडिंग लगाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मिनिमम प्राइस ज़ीरो हो जाएगी। मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है, मैक्सिमम प्राइस तब होगी जब क्वांटिटी डिमांडेड ज़ीरो हो जाए, मीन्स के इसके ज़ीरो यूनिट्स कोई लेना चाहे। तो मैक्सिमम प्राइस इज व्हेन क्वांटिटी इज़ ज़ीरो। तो हम ज़ीरो यानी क्यू को ज़ीरो से रिप्लेस करेंगे और 280,000 माइनस 35P, 35P को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे इज़ इक्वल टू 280,000। तो P इज़ इक्वल टू 280,000 डिवाइडेड बाय 35। तो P इज़ इक्वल टू, इसे सॉल्व करके देखते हैं, 28,000 डिवाइडेड बाय 35 इज़ 800। तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम प्राइस 800 हो सकती है, यानी 800 भी प्राइस आप करेंगे तो मैक्सिमम ये रहेगी। तो मींस इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या रही कि प्राइस शुड बी मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 800, ये इसकी डोमेन हो गई। अच्छा, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स की मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़। मिनिमम यानी क्वांटिटी डिमांडेड, मिनिमम डिमांड कितनी होगी, नेगेटिव डिमांड तो हो नहीं सकती, ज़ीरो होगी। तो हम ये कहेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी, मैक्सिमम डिमांड उतनी हो सकती है जब प्राइस ज़ीरो कर दी जाए। तो मैक्सिमम डिमांड हम यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं प्राइस ज़ीरो हो जाएगी, जो वाई इंटरसेप्ट होता है जो कि है 280,000। यानी हम आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड का ऐसा फंक्शन होगा ज़ीरो प्राइस पर, और ये यहाँ पर, ये इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड रेंज है। तो रेंज इसकी होगी क्यू शुड लाई बिटवीन 0 एंड 280,000, ये इसकी रेंज है। क्यू ये लगाना भूल गया था मैं, ना भी लिखें थी, मिनिमम मैक्सिमम इतना भी लिख दिया जाए तो भी काफ़ी है। तो ये हमने इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज डिस्कस कर ली। क्वेश्चन 43 बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप गौर करें तो इसमें 280,000 माइनस 35P था और इसमें 180,000 माइनस 30P है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रिस्ट्रिक्टेड रेंज फाइंड आउट करना है। 42 मैंने इसलिए किया कि अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, उन्होंने पहले फीडबैक भी दिया है कि आप वाले क्वेश्चन सॉल्व किया करें जिसमें पीछे आंसर ना हो, ताकि जिसमें पीछे आंसर हो वो तो हम खुद से सॉल्व करके बुक से वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आंसर ना हो वो हमें कैसे पता लगेगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैं ऐसे भी इंशाल्लाह करूँगा जो इवन नंबर्स में हो, ताकि उनके आंसर्स आप मेरे आंसर्स इस वीडियो के आंसर से मैच कर सकें। तो 43 के बाद 44 क्वेश्चन देखते हैं हम। 44 क्वेश्चन में कहा गया इंश्योरेंस कंपनी है हैज़ सिंप्लीफाइड मेथड फॉर डिटर्मिनिंग द एनुअल प्रीमियम फॉर आर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अ फ्लैट एनुअल फी ऑफ 150 इज चार्ज फॉर ऑल पॉलिसीज प्लस 2.5 फॉर ईच $1,000 अमाउंट ऑफ द पॉलिसी। यानी फॉर एग्जाम्पल
इन्होंने एग्जांपल देके समझा दिया। पहले इन्होंने कहा कि फ्लैट 150 तो आपको देने ही देने, चाहे आपका कितना भी प्लान हो। प्लस इसके अलावा आपको क्या करना है, 2.5 फॉर ईच $1,000 ऑफ द अमाउंट, यानी 2.5 जितने भी $1,000 आप कर रहे होंगे उस पर। यानी फॉर एग्जांपल आपने अगर 20,000 की पॉलिसी आपने ली है तो 150 तो आपको देने ही देने और प्लस 2.5 ऑफ 20। पॉलिसी वुड कॉस्ट 150 फॉर फिक्स फी प्लस 50 विच कॉरस्पॉन्ड टू द फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, क्योंकि 2.5 टाइम्स 20 आप करेंगे तो वो 50 ही आपको मिलेगा, क्योंकि वो थाउजेंड्स में बोला हुआ है इसलिए हमने थाउजेंड्स के जीरो नहीं लगाए हैं, ऑलरेडी थाउजेंड्स में ही है। तो ये इस वजह से हमारे पास जो इन्होंने खुद एग्जाम्पल सॉल्व करके बताई हुई है 200 आपका होगा प्रीमियम। खैर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं। कहा गया इफ़ पी इक्वल्स द एनुअल प्रीमियम इन डॉलर्स एंड एक्स इक्वल्स द फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी स्टेटेड इन $1,000, सो डिटर्मिन द फंक्शन विच कैन बी यूज टू कम्प्यूट द एनुअल प्रीमियम। ये तुम पहले ही कर चुके हैं, मीन्स बस हमें ये लिखना है पी इज इक्वल टू, या फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150 प्लस 2.5x। तो अगर हम सिर्फ इतना आंसर दे दें ये हमारा फंक्शन बन चुका है। क्वेश्चन 45 में 44 को ही यूज करके कहा जा रहा है कि इन एक्सरसाइज 44 अज्यूम दैट द स्मॉलेस्ट पॉलिसी विच विल बी इशूड इज ए 10,000 पॉलिसी। मीन्स यूं समझने को कह रहा है कि x की मिनिमम वैल्यू 10,000 है। मैं ये एग्जाम्पल की वैल्यूज डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा जो फर्स्ट आंसर है जिसे मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। और अब हम क्वेश्चन 45 करने जा रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि मिनिमम जो वैल्यू ऑफ द पॉलिसी होगी वो 10,000 होगी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज 10,000। और सिर्फ 10 लिखेंगे, 1,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी x का मतलब वो बता चुके हैं कि वो स्टेटेड इन थाउजेंड्स ही है, तो ऑलरेडी एक 10 का मतलब 10,000 होगा। एंड द लार्जेस्ट इज 500, तो x की मैक्सिमम वैल्यू भी पता लग गई हमें, वो है 500। डिटर्मिन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज फॉर द फंक्शन। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन तो हमें क्वेश्चन में ही मिल गई कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिसी विल बी 10,000 एंड मैक्सिमम विल बी 500,000। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। और अब हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज के लिए हम x की वैल्यू पहले 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पूरे फंक्शन में। p ऑफ 10 इज इक्वल टू 150 प्लस 2.5 इंटू 10 और p of 10 is equal to 150 plus 25, तो ये बन जाएगा 175। तो रेंज की मिनिमम वैल्यू 175 है, दैट मीन्स पॉलिसी जो इशू करेंगे उसकी मिनिमम वैल्यू 175 होगी, प्रीमियम जो होगा। अच्छा, और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम में हम p of 500 फाइंड आउट करेंगे, तो 150 प्लस 2.5 इंटू 500, 150 प्लस 2.5 को 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1250। तो 1250 में जब हमने 150 ऐड किया तो आंसर आया 1400। तो हमारे पास जो रेंज में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1400 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि P की जो मिनिमम वैल्यू है वो 175 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1400 होगी। मींस जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगी वो होगी 175 टू 140। और P क्या था, P इक्वल्स एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम मिनिमम जो है हम 175 लेंगे और मैक्सिमम जो है 1400 तक ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 एंड 47 है हमारे पास। 46 में कहा गया कि द लोकल इलेक्ट्रिक कंपनी यूजेस द फॉलोइंग मेथड फॉर कंप्यूटिंग मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर वन क्लास ऑफ कस्टमर्स। अ मंथली सर्विस चार्ज ऑफ
$5 is assessed for each customer. In addition, the company charges $0.095 per kilowatt hour. If C equals the monthly charges stated in dollars and K equals the number of kilowatts used during a month, determine the function which express the customer's monthly charges as a function of the number of kilowatts. So बिल्कुल वही same question है जो हमने अभी question 44 और 45 किया था. तो हम ये कह रहे हैं कि C इक्वल होगी, $5 फिक्स रखे हैं तो ये 5 हमारे पास फिक्स आएंगे, प्लस 0.095 मल्टीप्लाइड बाय K. और यहाँ पर K और C की डेफिनेशन वो खुद बता चुके हैं कि C का मतलब है कि मंथली चार्ज एंड K का मतलब है जितने भी किलोवाट इन्होंने यूज़ किए हैं. Use this function to compute the monthly charge for the customer who uses 850 kilowatt hours. तो इस पार्ट बी के लिए तो आंसर बिल्कुल बहुत ही ईजी होगा. हम C of 850 यानी cost of 850 kilowatt hours find करना चाह रहे हैं. तो 5 plus 0.095 और K को रिप्लेस करेंगे 850 से. तो ये 5 plus 850 को जब हमने 0.095 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 80.75. और 80.75 में ऐड करेंगे 5 को तो $85.75 बिल बन जाता है कस्टमर का. अब कहा गया रेफरिंग टू एक्सरसाइज 46 यानी इसी क्वेश्चन 46 की बात की जा रही है. अज्यूम दैट द मेथड फॉर कंप्यूटिंग अ कस्टमर बिल अप्लाइज फॉर द कस्टमर हु यूजेस बिटवीन 200 एंड 1500 किलोवाट आवर्स पर मंथ. और हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि आपका जो यूजेज होता है डिफरेंट स्लैब्स होते हैं, इस स्लैब का इतना बिल बनेगा, पर यूनिट चार्ज इतना होगा और इस स्लैब पर इतना होगा. तो कहा गया ये जो ऊपर मेथड बताया गया है ये सिर्फ 200 से लेकर 1500 किलोवाट आवर्स का जो कस्टमर होगा एक महीने में यूज़ करेगा उसके लिए इस कंजम्पशन पर ये बिल चार्ज होगा. डिटर्मिन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज. तो क्या डोमेन इसकी रिस्ट्रिक्टेड है और क्या रेंज है. तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन तो इन्होंने खुद क्वेश्चन में बता दी. डोमेन का मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है हमारे इस केस में के है. तो के की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है इस केस में. तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमारे पास है के की वैल्यू विल लाई बिटवीन 200 एंड 1500. और रिस्ट्रिक्टेड रेंज क्या होगी हमारे पास, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 200 पर कितना बिल बनेगा कस्टमर का और 1500 पर कितना बनेगा. तो 200 के लिए हम पहले इसकी अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं. मिनिमम सी ऑफ 200 फाइंड आउट करेंगे. तो सी ऑफ 200 के लिए 5 प्लस 0.095 इनटू 200 करेंगे. तो जब 0.095 को 200 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 19 आंसर आता है और 19 प्लस 5 बन जाएगा $24. तो मिनिमम हमारे पास रेंज की वैल्यू $24 आ रही है. मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम सी ऑफ 1500 फाइंड आउट करेंगे विच विल बी 5 प्लस 0.095. ये यहाँ भी 5 था, 51 गलती से लग गया. और 1500 5 प्लस 0.095 को जब 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 142.5 आता है. और 142.5 में ऐड करेंगे तो 147.5 आएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज. तो हमारे पास रेंज का आंसर क्या आया कि सी विल लाई बिटवीन $24 टू $147.5. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 49 है हमारे पास. इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट द फर्म इनकर्स कॉस्ट ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड विच इज़ 250,000 आर इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस. मीन्स ये फिक्स कॉस्ट है, आप चाहे एक यूनिट प्रोड्यूस करें या मैक्सिमम यूनिट प्रोड्यूस करें तो 250,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है. इन एडिशन टू ईच यूनिट प्रोड्यूस कॉस्ट द फर्म $6. इसके अलावा जब आप एक यूनिट बनाते हैं तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट $6 पड़ती है. तो इफ़ सी इक्वल्स टोटल एनुअल कॉस्ट इन डॉलर्स एंड एक्स इक्वल्स द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, डिटर्मिन द फंक्शन सी ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो हमें कॉस्ट फंक्शन बनाना है. तो आंसर में हम जाते हैं कॉस्ट फंक्शन के लिए. ये कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, ये सारे हमारे पास एक चैप्टर होगा जिसमें हम पूरी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे डिटेल के साथ. कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं.
कॉस्ट, वैसे टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जानते हैं वो होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन बनेगा सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 250,000, और वो थाउजेंड्स में तो वैसे में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सी इक्वल्स ठीक है तो 250,000 ही रहने देंगे हम। प्लस वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास $6 पर यूनिट, तो 6 इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स का मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप इसमें इंसर्ट करेंगे उस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। अब पार्ट बी में कहा गया व्हाट इज़ एफ ऑफ 2000 एंड व्हाट डज एफ ऑफ 2000 रिप्रेजेंट। तो पहले हम एफ ऑफ 2000 फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ 2000 के लिए आप, क्योंकि हम सी ऑफ एक्स कह रहे हैं तो हम सी ऑफ 2000 फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 250,000 प्लस 6 इंटू 200,000। तो ये 250,000 प्लस 6 टू जर 12 और ये 1200,000 बन गया, और 250 प्लस 1200 बनता है 1450,000। ये हमने फाइंड आउट कर लिया एफ ऑफ 200,000। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है क्योंकि एक्स का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स था, तो ये शो कर रहा है, हम लिख देते हैं एफ ऑफ 200,000 शोज या रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 200,000 यूनिट्स, कि अगर हम 200,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, जो कि बनेगी 1450,000 रुपये। स्टेट द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ द फंक्शन इफ मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 300,000 यूनिट्स पर ईयर। तो मैक्सिमम कैपेसिटी हमें गिवन है और मिनिमम क्या होगी, ज़ीरो, यानी कोई भी यूनिट ना बनाइए आप। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, डोमेन का मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में एक्स है, एक्स की मिनिमम वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, यानी आप कोई भी यूनिट प्रोड्यूस ना करें, नेगेटिव नहीं हो सकती, और मैक्सिमम वैल्यू 300,000 हो सकती है। और इसके अलावा रेंज की बात करते हैं हम, रेंज कॉस्ट फंक्शन है तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी और मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगी। तो मिनिमम कॉस्ट होगी अगर आप ज़ीरो यूनिट बना रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो आपकी कॉस्ट 250,000 आएगी, जो कि आपकी फिक्स कॉस्ट है, और इसे हम सी कह देते हैं कॉस्ट। और मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 300 यूनिट बनाने पर हमारी क्या कॉस्ट आएगी। हम रफ वर्क में फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 300,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 250,000 प्लस 6 इंटू 300,000, तो 6 × 3 = 18 बन जाता है, 1800,000 और 250,000। तो ये हमने 250,000 में ऐड किया 1800,000, तो आंसर आया 2050,000। तो ये हमारी रिस्ट्रिक्टेड रेंज है कि अगर आप ये यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मिनिमम आपकी कॉस्ट 250,000 होगी टोटल कॉस्ट, और मैक्सिमम टोटल कॉस्ट आपकी 2050,000 हो सकती है, 2,050,000 है बेसिकली। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन 51 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन 51 में कहा गया अ स्मॉल हेल्थ क्लब इज ट्राइंग टू स्टिमुलेट न्यू मेंबरशिप फॉर अ लिमिटेड टाइम, अ नॉर्मल एनुअल फी ऑफ 300 पर ईयर विल बी रिड्यूस टू 200 एज एन एडिशनल इंसेंटिव फॉर ईच न्यू मेंबर इन एक्सेस ऑफ 60। The annual charge for new member will be further reduced by $2. So determine the function p of f of n, where p equals the membership fee and new member and n equals the number of members. तो यहाँ पर दो बातें की गई। पहली बात ये है कि normal fees जो है वो $300 है per year, लेकिन उसे reduce कर दिया गया है, अब $200 per year कर दिया गया है। तो पहली बात यह है। इसके अलावा ये है कि एडिशनल इंसेंटिव भी मिल रहा है हर उस नए मेंबर को जो 60 के बाद आएगा, दैट मीन्स 61st मेंबर होगा 61 के बाद, 62nd, 63rd, उनके लिए क्या होगा कि हर अगले मेंबर को
पिछले मेंबर से $2 कम पैसे देने पड़ेंगे। दैट मीन्स फॉर ईच न्यू मेंबर इन एक्सेस ऑफ 60, द एनुअल चार्ज फॉर ईच न्यू मेंबर विल बी फर्दर रिड्यूस बाय $2। यानी हम यूँ कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट 60 हमारे मेंबर होंगे उनकी एनुअल फ़ी 300 नहीं बल्कि 200 होगी, और उसके 60 के बाद यानी हम यहाँ ऐसे कह देते हैं कि व्हेन एन इज़ बिटवीन 0 to 60, 0 से लेकर 60 तक जो होंगे उनकी जो फ़ी होगी वो 200 होगी। लेकिन 61 से ग्रेटर जितने भी होंगे, यानी 60 से ग्रेटर जितने भी होंगे 61 एंड सो ऑन, उनकी फ़ीस क्या होगी? उनकी फ़ीस ये होगी कि हर अगले मेंबर के लिए 200 में से 2 माइनस होते जाएंगे। अब अगर पहला मेंबर है, फॉर एग्जांपल 61st है, तो 61st के लिए यहाँ 1 हम एंटर करेंगे, यानी कि उसकी फ़ीस हो जाएगी 200 माइनस 2, विच इज़ 198। इसी तरह अगर 62nd मेंबर आता है तो हम उसे कहेंगे कि 198 में से 2 और माइनस कर दें, आप 196 पे कर दीजिए। 63rd मेंबर आता है तो हम कहेंगे 196 में से 2 और माइनस करके आप एनुअल फ़ी हमें 194 दीजिए। ठीक है, तो इनकी अपनी पॉलिसी है, जो भी है इसके अपने फ़ायदे अपने नुकसान, वो हमारा डिस्कशन नहीं है। तो इसका कहा गया कि फंक्शन बनाइए, तो सिचुएशंस दो हैं तो फंक्शन भी दो बनेंगे, एक अलग डोमेन के लिए एक अलग डोमेन के लिए। ऐसा फंक्शन जो अलग अलग डोमेन्स पर, फंक्शन एक ही हो लेकिन अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग वैल्यू रखे, उसे हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ये शायद बुक में वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं कि जिसे हम ब्रैकेट में शो करते हैं, लार्ज ब्रैकेट में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 200 फॉर एन इज लेस देन और इक्वल टू 60। तो ये हमारा हो गया कि n की वैल्यू अगर 60 होगी या उससे कम होगी तो कस्टमर को $60 पे करने, $200 पे करने हैं एनुअल। अच्छा, और 200 माइनस 2 इनटू हम ये कह रहे हैं कि जितने भी 60 से ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल 61 मेंबर्स हैं हमारे, तो हम n माइनस 60 करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो उससे सिर्फ 2 का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह अगर 62 मेंबर्स हैं हमारे तो n की जगह 62 आ जाएगा, 62 में से 60 निकाल लिए, 2 मेंबर बच गए, तो वो जो दूसरा मेंबर होगा उसके ₹4 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये फंक्शन इस तरह फंक्शन करेगा यहाँ पर। तो 200 माइनस 2, फिर ब्रैकेट में हमने लिख दिया n माइनस 60, और ये कब होगा? फॉर n इज़ ग्रेटर देन 60, 60 से बड़ा होगा तो फिर ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा। तो बस हमें सिर्फ फंक्शन बनाने के लिए कहा गया था, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह अब हमारे पास कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि इंतहाई आसान हैं। अब हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 वेरिएबल्स पर फंक्शन डिपेंड कर रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब ये है कि कोई तीसरा वेरिएबल है जिसे हम जी कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है एक्स पर और वाई पर। तो हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 0 0। तो एफ ऑफ 0 0 से मुरादी है कि एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। एफ ऑफ माइनस 1 एंड 2, तो इससे मुरादी है कि एक्स की वैल्यू माइनस 1 है और वाई की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो एक पार्ट हम करके देखते हैं, क्वेश्चन 52 करते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 2y स्क्वायर। क्योंकि बाद अगर ऐसा भी होता है ना, ज़रूरी तो नहीं है हम जो कॉस्ट फंक्शन पढ़ रहे थे वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हों, दो अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट ज़ाहिर है दोनों प्रोडक्ट्स की वजह से बनती होगी, तो उनके कॉस्ट फंक्शन में 2 वेरिएबल्स आते होंगे। तो एफ ऑफ हम डायरेक्ट पार्ट बी कर लेते हैं, ए में बिल्कुल ईजी है, सब में 0 पुट करना है तो सब 0 0 ही आंसर आ जाएंगे। तो माइनस 1, 2, इसका मतलब एक्स की जगह पर हमें माइनस 1 सब्सिट्यूट करना है और वाई की जगह पर 2 सब्सिट्यूट करना है। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 6 1 6 6 2 12, और 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 8 + 12 20 होता है, और 20 + 1 21 आ जाता है। तो f ऑफ माइनस 1 कॉमा 2 इज़ 21। यानी दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह रहे हैं कि अगर हमारे 3 वेरिएबल हैं, एक तो x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल सपोज इसे हम z के इक्वल कह देते हैं, तो अगर x की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू 2 होगी तो z की वैल्यू 21 होगी। तो ये सारे सवालात इसी तरह होने हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 53 में भी ऐसा ही है, 2 वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन 54 में भी ऐसा ही है, 2 वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन 55 में 3 वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3। तो इसमें हम पहले x1 की जगह 1, x2 की जगह 1 और x3 की जगह 1 सब्सिट्यूट करके इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यानी सिंपल आपको सब्सिट्यूशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। 56 तक इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छा, अब इसी की हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन 60 में, कि अ कंपनी एस्टिमेट्स दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स इट सेल ईच ईयर इज़ अ फंक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर्स ऑन रेडियो टीवी एंड रेडियो एंड टीवी एडवर्टाइजिंग।
तो स्पेसिफिक फंक्शन इसने दे दिया कि जी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एनुअली, और एक्स का मतलब है अमाउंट स्पेंट ऑन टीवी एडवर्टाइजमेंट, एंड वाई इक्वल्स अमाउंट स्पेंट ऑन रेडियो एडवर्टाइजमेंट, एंड और दोनों थाउजेंड में ही हैं, यानी अगर हम फाइव लिखेंगे तो उस फाइव का मतलब 5,000 कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं कि हमारी जो सेल्स है वो डिपेंड करती है कि हम टीवी में कितना एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उसे, और रेडियो में कितना एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, उसके कितना खर्चा उस पर कर रहे हैं, उस कॉस्ट से डिपेंड, उस कॉस्ट से फाइंड आउट किया जाएगा कि हमारे कितने यूनिट सेल हो सकते हैं। तो हमें पार्ट ए में कहा गया, डिटर्मिन द एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स इफ 50,000 इज स्पेंट ऑन टीवी एंड 20,000 इज स्पेंट ऑन रेडियो एडवर्टाइजिंग। तो देखा जाए तो ये पिछले सवाल की तरह ही है, हमें एफ ऑफ 50,20 फाइंड आउट करना है, क्योंकि x का मतलब टीवी के एक्सपेंडिचर्स हैं और y का मतलब रेडियो के एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये 50 टीवी का दिया हुआ है और 20 रेडियो का गिवन है। तो इसी इक्वेशन में हम लिखते हैं 20,000 इंटू एक्स, एक्स की जगह 50, प्लस 40,000 इंटू वाई, वाई की जगह पर हम y की वैल्यू 20 लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास है माइनस 20 एक्स की जगह पर हम 50 और उसका स्क्वायर लिखेंगे, नीचे कंटिन्यू कर लेते हैं, माइनस 30 और वाई की जगह पर हम 20 और उसका स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 10 एक्स की जगह पर 50 और वाई की जगह पर 20 लिखेंगे। यानी मैंने सिर्फ ये किया है कि इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू थी वहाँ मैंने 50 सब्सटीट्यूट किया है, जहाँ y की वैल्यू थी वहाँ 20 सब्सटीट्यूट किया है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, 5 टू ज़ा 10 होता है, और हमारे पास ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरोज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरोज़ लगा दिए हमने, और 4 टू ज़ा 8, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़ीरोज़ आ गए हैं, माइनस 20, 50 का स्क्वायर 25 और 0, 0, एंड माइनस 30, 22 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर है, तो दो ज़ीरो बन जाएंगे, क्यूब होता तो 3 ज़ीरोज़ लगा देते हैं हम, माइनस 1, 5 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, और 1, 2, 3 ज़ीरोज़ एडिशनल है हमारे पास। तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये हमारे पास 1,000,000 है और ये हमारे पास 800,000 है, 4 2 ज़ार 8 और 5 ज़ीरोज़ बिल्कुल 800,000 है, और इसे हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं, प्लस 800,000 माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50, और 3 ज़ीरोज़ वैसे ही आ गए हमारे पास, माइनस 3 4 ज़ार 12 और 3 ज़ीरोज़ वैसे ही आ गए, माइनस 10,000। नीचे से हम आगे ले जाते हैं और इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेते हैं, 1 के बाद 6 ज़ीरोज़ यानी 1,000,000 प्लस 800,000 और माइनस 50,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000, तो आंसर हमारे पास आता है 1,728,000 1,728,000, 1,728,000 सेल्स होगी अगर आप 50,000 रुपए टीवी पे एक्सपेंडिचर करें, टीवी की एडवर्टाइजमेंट पर, और 20,000 रेडियो की एडवर्टाइजमेंट पर। तो बस यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में, हम आंसर दे चुके हैं, नहीं बल्कि पार्ट बी है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड सेल्स इफ 80,000 एंड 100,000 आर स्पेंट रिस्पेक्टिवली। तो ये पार्ट बी हम स्किप कर रहे हैं, बिल्कुल सेम आपने करना है, 50 और 20 जैसे मैंने सब्सटीट्यूट किया है, आपने 80 और 100 इसमें सब्सटीट्यूट करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन 61 पर आते हैं हमारे पास, बिल्कुल इसी तरीके से Q1 और Q2 दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, P1 P2। तो अ मैन्युफैक्चरर सेल टू रिलेटेड प्रोडक्ट्स द डिमांड फॉर विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग डिमांड फंक्शंस। रिलेटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट क्या होते हैं, और रिलेटेड में सब्सिट्यूट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये सारी इकोनॉमिक की थ्योरी है, उसकी डेप्थ में फ़िलहाल हम नहीं जा रहे, लेकिन इससे पता, यहाँ से पता लग जाता है कि दोनों का ग्रेडियंट नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, और तो इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी और प्राइस लॉ ऑफ डिमांड को ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो खैर, Q1 इज़ 250 माइनस 4P1 और माइनस 4P2, और Q2 इज़ 200 माइनस P1 माइनस 3P2, वेयर PJ मीन्स P1 एंड P2 प्राइस इन डॉलर्स है ऑफ J एंड Q, यानी प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 की प्राइस है, और डिमांड थाउजेंड्स में है हमारे पास। हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिमांडेड, यानी डिमांड यानी कि Q1 पूछा है, इफ़ 20 यूनिट्स इज़ चार्ज फॉर प्रोडक्ट 1 एंड 40 इज़ चार्ज फॉर प्रोडक्ट 2। तो हम दोनों के लिए इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, Q1 यानी कि F1 ऑफ
क्या वैल्यूज़ थी हमारे पास, 20, 40, और ये इसमें हम सब्सिट्यूट कर लेंगे, 250 माइनस 4 इंटू 20 माइनस 50, तो 250 माइनस 4 2 8, तो ये 80 हो गया, माइनस 50 हो गया, तो 250 में से हमें 130 माइनस करना है, तो 120 आंसर आया, और ये थाउजेंड्स में है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 120,000 यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इस प्राइस पर. अच्छा, उसके बाद हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड इफ़ द यूनिट प्राइस आर 40 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, तो ये सेम आंसर रहेगा. अच्छा, यही चीज़ आप Q2 के लिए भी करेंगे, जो Q1 के लिए हमने किया है. जैसे Q1 में हमने सब्सिट्यूट की इनकी वैल्यूज़, बिल्कुल इसी तरह Q2 में भी आप ये दो वैल्यूज सब्सिट्यूट करेंगे. मीन्स पार्ट ए में जैसे मैंने 20 और 40 किया है, तो इसी तरह पार्ट ए का आंसर ही कम्प्लीट नहीं है. पार्ट ए के आंसर में Q2 में भी हमें यही F(2) में 20 और 40 सब्सिट्यूट करना है. जब हम इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, जो कि हमें ये फंक्शन गिवन है, 200 माइनस P1 की जगह पर 20 लिखेंगे और 3 इंटू P2 की जगह पर 40 लिखेंगे, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 60. कैलकुलेटर में 60 आ रहा है, 60. तो हम कह रहे हैं कि 60,000 यूनिट्स हमारे सेल होंगे. तो ये पार्ट ए कर लिया. पार्ट बी भी बिल्कुल इसी तरीके से ही होगा, जो कि हम इसको फ़िलहाल टाइम की कमी की वजह से सॉल्व नहीं कर रहे हैं. तो इस एक्सरसाइज को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं. उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और क्योंकि रिकॉर्डिंग की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो बाकी की एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. अल्लाह.